गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़े थे अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें हमने पढ़ लिया था एसिड अम्ल क्या होता है, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अम्ल की क्रियाएं क्या है, मतलब कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं अम्ल करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है, बेस मतलब क्षारक क्या है, क्षारक के गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, वो सभी बातें इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक बेसिस मतलब क्षारक। तो क्षारक क्या है, देखो पहली वीडियो में जिसमें अम्ल मैंने बताया था उसमें बताया था कि अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो होते हैं अम्ल। जो पदार्थ हमें खट्टे लगते हैं उनमें कहीं ना कहीं खट्टापन अम्ल के कारण होता है। ऐसे ही जो पदार्थ ऐसे रसायन जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्षारक होता है। जैसे चूना उठा के अगर हम उसको टेस्ट करें तो वो कड़वा लगेगा, या फिर हम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसको उठा के अगर टेस्ट करें जीभ पे लगाए तो वो भी कड़वा लगता है। साबुन को अगर हम जीभ पे लगाए तो वो भी कड़वा लगता है। तो जो भी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है वो क्षारक होता है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई क्षारीय पदार्थ मिला होता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें जैसे अम्ल में बताया था ऐसा कोई पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, वैसे ही ऐसा कोई पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो कोई भी ऐसा रसायन जो जलीय विलयन में मतलब जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो होता है क्षारक। ठीक है भाई, तो ये थी क्षारक की परिभाषा। सीधे सीधे शब्दों में याद रखना, ऐसा कोई पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है या वो पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है वह एक क्षारक होता है। तो क्षारकों के उदाहरण हैं बहुत सारे हैं जिनमें पीछे OH लगा होता है वो लगभग क्षारक ही होते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaO, इसमें OH नहीं है लेकिन ये क्षारीय होता है। क्यों होता है, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जितनी भी धातु के ऑक्साइड हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। देखो कैल्शियम एक धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो ये धातु का ऑक्साइड हो गया। तो धातु का ऑक्साइड है तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का है, मतलब कहने का धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो सारे क्यों होते हैं, क्योंकि वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जो काम क्षारक करते हैं अम्ल के साथ वही काम धातु ऑक्साइड करती है, इसलिए धातु ऑक्साइड प्रकृति में सारे होता है। तो ये धातु ऑक्साइड है चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये एक क्षारक है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है। MgOH, तो देखो OH है तो ये क्षारक है। हमें पता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यही बात लिखी हुई है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक अम्ल के विपरीत व्यवहार दिखाते हैं, मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया कि अम्ल और क्षारक दोनों का व्यवहार जो होता है वो उल्टा होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब उदासीन करने की कोशिश करते हैं, तभी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है दोनों के बीच में। हम पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल को क्षारक में मिला जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे, तभी बनने वाला पदार्थ जो होता है वो उदासीन होता है। उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे को वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, तो जो बनने वाला पदार्थ है वो ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, वो उदासीन होगा, इसलिए उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्षारक अम्ल के विपरीत व्यवहार करते हैं, मतलब उल्टा प्रभाव होगा, जो अम्ल का होता है क्षारक का उसके विपरीत होगा। प्रबल तथा दुर्बल क्षारक, जैसे अम्ल में पढ़ा हमने प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल जिनकी क्षमता अधिक होती है, मैंने बताया था जिनकी क्षमता अधिक है, क्षमता का मतलब भी जिनमें जल कम होता है और हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है, ये बताया था अम्ल में। ऐसा ही यहाँ पे है, ऐसा क्षारक जो जलीय विलयन में
तरह से आयनीकृत हो जाएगा, जैसे ही मतलब सारक को जल में मिलाया और वो पूर्ण रूप से आयन में बदल गया। उसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बदला और थोड़ा सा बच गया, ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाए तो वो होता है प्रबल सारक। और दुर्बल सारक क्या होता है? दुर्बल सारक ऐसा सारक जिसको जलीय विलयन में मिला, जल में मिलाया तो जो विलयन बनेगा उसमें वो सारक पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होगा। आयन तो बनेंगे लेकिन पूर्ण रूप से आयन नहीं बनेंगे, कम आयन देगा वो, तो उसको बोलते हैं दुर्बल सारक। या ये कह लो कि प्रबल सारक में जल की मात्रा कम होती है, दुर्बल सारक में जल की मात्रा अधिक होती है। जैसे अम्ल में मैंने बताया था तनुकरण करते हैं अम्ल का, तो अम्ल में जल मिला देते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। ऐसा ही इसमें इसमें भी है, जिसमें पानी अधिक होगा वो दुर्बल सारक है और जिसमें पानी कम होगा वो प्रबल सारक होता है। ठीक है भाई, इतनी सी बात। अब धातु ऑक्साइड, अभी मैंने बताया था धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या? देखो ये कैल्शियम है, ये OH लगा, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम है, धातु है, OH लगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये धातु का हाइड्रोक्साइड है, ये भी धातु का हाइड्रोक्साइड है और ये धातु का ऑक्साइड है। सिर्फ धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो वो धातु का ऑक्साइड है, अगर धातु के साथ OH जुड़ा है तो वो धातु का हाइड्रोक्साइड होता है। तो धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट क्या? कार्बोनेट का तो CO3, अगर इसके साथ धातु लग जाए Na2, सोडियम कार्बोनेट बन गया ये, MgCO3, CO3 के साथ मैग्नीशियम लगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये जितने भी कार्बोनेट है मतलब धातु के साथ CO3 कोई ना कोई धातु का कार्बोनेट होगा, तो धातु कार्बोनेट जो होते हैं वो भी सारी प्रवृत्ति के होते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे एन हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है एक एच और आ जाएगा बीच में, HCO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब जैसे NaHCO3, ये होगा सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है भाई, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अलग अलग धातुओं के कार्बोनेट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। धातु का ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी सारी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब इनमें सारे गुण होते हैं। अधिकतम जो सारक होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब सारक जल में नहीं घुलते। ज्यादातर सारक ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते, कुछ सारक ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं। कौन से? जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2, ये भी, ये जितने भी हैं सभी जल में घुलनशील है। सारक में और सार में अंतर है भाई, देखो सारक और मैं लिखता हूँ सार, इनमें क्या अंतर है? सारक में आएंगे सभी ऐसे पदार्थ जिनमें सारे गुण हैं, उसमें वो भी आएगा जो जल में घुलनशील है, उसमें वो भी आएगा जो जल में अघुलनशील है, वो सभी सारक के अंदर आएंगे। लेकिन जो सारक जल में घुलनशील होते हैं उनको बोलते हैं सार, ठीक है, अंतर समझ में आया? तो सार और सारक में अंतर है, तो ऐसे सारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको बोलते हैं सार, जैसे NaOH, KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सभी जल में घुलनशील होते हैं सभी। अब प्रश्न आता है कि भाई सभी सारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे हैं, हमने देख लिया, पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो इसका मतलब है सभी अम्लों में कोई ना कोई चीज समान है। ऐसे ही अगर सभी सारक स्वाद में कड़वे हैं तो सभी सारों में कोई ना कोई चीज तो समान जरूर होगी, तो वो चीज कौन सी है जो समान है? तो सभी सारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, अभी बताया है मैंने पहले। तो सभी सारक जल में जलीय विलयन में, सभी सारक जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन, और इन्हीं हाइड्रोक्साइड आयन के कारण उस विलयन के अंदर सारीय गुण होते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु या कोई पदार्थ हमें सारीय गुण शो करता है, मतलब उसके अंदर कोई सारीय गुण प्रदर्शित कर रहा हो, तो वो उस हाइड्रोक्साइड आयन के
कारण ही होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको जल में मिला दिया हमने, भी पानी में मिला दिया, ये जल में घुलनशील होता है, ठोस होता है, ये ठोस ले गया, इसकी फ्लेक्स से आती है, मतलब पपड़ी से आती है, तो इसको जैसे ही पानी में मिलाएंगे हम Na+OH नेगेटिव, देखो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे जल में घोलोगे इसको Mg2+ और OH नेगेटिव ये बन जाएगा, दो हाइड्रोक्साइड आयन बन गए। तो कहने का मतलब क्या है, सभी सारकों में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, या फिर ये कहें कि सारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं और इन्हीं हाइड्रोक्साइड आयनों के कारण वो सारी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं सारकों के गुण क्या होते हैं। देखो स्वाद में कड़वे होते हैं, बता चुका हूं कोई भी ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा है वो कहीं ना कहीं सारक है। साबुन जैसे चिकने होते हैं, अगर सारकों को टच करके देखोगे तो वो साबुन की तरह चिकने लगेंगे, साबुन भी एक सारक ही होता है। साबुन को देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाथ में उठाओ, उंगलियों के बीच में रगड़ोगे ना तो वो चिकना सा लगेगा, जैसे साबुन लगता है। मतलब क्या, सभी सारक साबुन की तरह चिकने होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, पता है हमें कि सभी सारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में आयन देता है वह पदार्थ विद्युत का सुचालक होगा, ये बात पहले बता चुका हूं मैं, एक बार बता देता हूं कि सभी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयन देते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हमने ये सारक को पानी में मिलाया और सारक आयनीकृत हो जाएगा OH नेगेटिव, देखो ये सारक है, इसको पानी में मिलाया तो ये दो आयन निकलेंगे, दो तरह के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन, और आयन अगर बन गए तो ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ये नहीं, कोई भी ऐसा पदार्थ जो आयन देता है विलयन में वो विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि सारक विलयन में आयन देते हैं, इसलिए सभी सारक विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अम्ल से उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, पढ़ चुके हैं हम, अम्ल में मैंने बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, कि कोई भी सारक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है वो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल प्लस सारक तो क्या बनता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है, अम्ल है ये। अम्ल को अगर हम सारक में मिला देंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्यों होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अम्ल और सारक एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, और कम कर देंगे तो लवण जो बनेगा वो उदासीन होगा, मतलब वो ना तो क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा। देखो ये अम्लीय हो सकता है, कब हो सकता है, अगर प्रबल अम्ल ले लें और दुर्बल सारक ले लें तो जब वो लवण बनेगा उसमें वो अम्लीय होगा कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि प्रबल अम्ल था। अगर इसका उल्टा ले लें, दुर्बल अम्ल ले लें और प्रबल सारक ले लें तो लवण जो बनेगा वो क्षारीय बनेगा, क्यों, क्योंकि सारक प्रबल था। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों की समान पावर है, मलन की क्षमता दोनों की समान है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है, जो अम्ल होता है हम पढ़ चुके हैं सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होते हैं, एक्वस जल में ही देता है भी, और सभी सारकों में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं ये भी जल में ही देता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो इसका हाइड्रोक्साइड आयन, इसका हाइड्रोजन आयन और इसका हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ये होता है किसमें, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया, ये अम्ल से आया, जैसे HCl था, HCl में हाइड्रोजन आयन होता है, इसमें हमने मिला दिया NaOH, NaOH क्या सारक है, ये अम्ल है, इसमें क्या था हाइड्रोक्साइड आयन और इसमें क्या आया हाइड्रोजन आयन, तो ये यहां से जब इसको जलीय विलयन में मिला दोगे इसका जलीय विलयन क्या देगा Na+ और OH नेगेटिव, इसका जलीय विलयन क्या देगा H+ और Cl नेगेटिव ये देगा, तो यहाँ ये H और ये OH मिल जाएंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, क्या बनेगा NaCl और H2O, ये बन जाता है, ये होता लवण और ये बन गया जल, ये ऐसे होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब
अगला क्या है कार्बन अधातु ऑक्साइड के साथ। देखो अधातु अभी मैंने बताया था कि अम्ल के साथ मिलकर अम्ल प्लस सार्क क्या देंगे लवण और जल ये देते हैं। अब यहां मैंने लिख दिया भाई अधातु ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड है देख लेना, यहाँ पे धातु नहीं लिखा मैंने, अधातु ऑक्साइड है प्लस सारक, तो क्या बनेगा लवण और जल का निर्माण होता है। उदाहरण ले लेते हैं अधातु ऑक्साइड, कोई भी अधातु ले लो और उसका ऑक्साइड ले लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सी, कार्बन एक अधातु है और ऑक्सीजन साथ में जुड़ी है तो ये अधातु का ऑक्साइड हो गया। सारक ले लो कौन सा, ये ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक सारक है तो बना क्या CaCO3 प्लस H2O, ये अभिक्रिया पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक लवण है और ये जल है। अब देखो ऐसी ही अभिक्रिया ये ऊपर लिखी हुई है, फर्क क्या है देखो, यहाँ सारक ये भी सारक, ये लवण ये लवण, ये भी लवण है ठीक, इसमें देख लो ये सारक लिखा है ये भी लवण, ये इन ऊपर और नीचे वाले अभिक्रिया में एक ही चीज देखो ये और ये तो सारी समान ही है। इसका मतलब है अगर अधातु ये अधातु ऑक्साइड ने यही काम किया जो अम्ल ने किया था ऊपर, देख लो यहाँ पे बाकी तो सारी सेम, एक चीज में फर्क है यहाँ अधातु ऑक्साइड लिखा है और यहाँ अम्ल लिख दिया, इसका मतलब है इस अधातु ने अम्ल का कार्य किया। दूसरे शब्दों में हम कहें अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अधातु ऑक्साइड सारक के साथ वैसी ही अभिक्रिया दिखाता है जैसा अम्ल सारक के साथ दिखाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड जो है वो सारी अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। तो ये हो गया अधातु, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था धातु ऑक्साइड जो होता है वो सारी प्रवृत्ति का होता है, धातु ऑक्साइड होता है सारी प्रवृत्ति का और अधातु ऑक्साइड हो गया भाई अम्लीय प्रवृत्ति का, ये याद रखना, ये पेपर में आ सकता है ऐसे सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है इसके सार्कों के उपयोग क्या होंगे। देखो सार्कों का उपयोग क्या है, सार्कों का उपयोग मैं लिख भी देता हूं, वैसे सार्कों का उपयोग करते हैं डिटर्जेंट बनाने में, साबुन बनाने में, रबड़ बनाने में, साबुन पेपर रबड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका सार्कों का, रबड़ साबुन और पेपर बनाने में उपयोग किया जाता है। मैं क्या बता रहा हूँ, उपयोग बता रहा हूँ किसके, सार्कों के। दूसरा उपयोग क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर मतलब कपड़ों को ब्लीच करने के लिए जिस पाउडर का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, और इसको बनाने में इस सारक का प्रयोग होता है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक सारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसका प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल क्या, कई बार जब हम खाना खाते हैं तो पेट में जलन हो जाती है जिसको बोलते हैं अति अम्लता, मतलब हमारे पेट में एसिड निकलता है, हमारे स्टमक में अमाशय के अंदर अम्ल निकलता है ताकि भोजन को तोड़ सके, गला सके, पचा सके वो, लेकिन कई बार अम्ल जैसे हम उल्टा सीधा या अधिक खा लेंगे या मसालेदार खाना खा लेंगे तो अम्ल अधिक निकल जाता है जिससे खट्टी खट्टी डकारें आती है, उसको बोलते हैं अति अम्लता, क्या बोलते हैं अति अम्लता। तो अति अम्लता को दूर करने के लिए हम कोई टैबलेट खाएंगे या इनो वगैरह जो पीते हैं हम, उसको बोलते हैं प्रति अम्ल, और वो प्रति अम्ल के अंदर होता क्या है, उस प्रति अम्ल के अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, मतलब अति अम्लता को एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, Na2CO3, देखो Na2CO3 क्या है, ये धातु का कार्बोनेट है और मैंने बताया था कि धातु का कार्बोनेट क्या होता है, सारी प्रवृत्ति का होता है, तो ये जो है ये धातु का कार्बोनेट है और ये क्या होता है, ये होता है साबुन। ठीक है, इसका प्रयोग साबुन के रूप में करते हैं, Na2CO3 साबुन का सूत्र होता है, लेकिन ये है तो एक सारक ही, स्टार्टिंग में बता चुका हूं वैसे। उसके बाद है NaHCO3,
NaHCO3 क्या है? ये है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिखा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, विषारी प्रवृत्ति का होता है। इसका प्रयोग, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या, जैसे किसी चीज को स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के लिए, मतलब सॉफ्ट या स्पंजी, जैसे कौन सा, जैसे ब्रेड और बिस्किट बनाना है तो ब्रेड कितना स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है, उसको उसको ऐसा स्पंजी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। NaHCO3 बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, या मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो हार्ड चीज होती है, जैसे हम अगर हम घर में चने की सब्जी बनाए, ठीक है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम कई बार NaHCO3 का प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडे का। तो ये था भाई सब, जितना भी हमने पढ़ा अभी तक सभी था सारकों के बारे में। तो सार पढ़ चुके हैं, सार क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, भौतिक गुण क्या होते हैं, अति अम्लता पढ़ लिया हमने, सार क्या होता है, ठीक है, सभी सारकों में समानता क्या है। तो एक बार इसको किताब में से भी रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।